तो गरीब साइंटिस्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जब इसरो का रॉकेट लॉन्च होता है तो इतने सारे चीज़ें गिरते क्यों है रॉकेट से, वो एग्जैक्टली है क्या। ये एक ओल्ड वीडियो का रीमेक है क्योंकि उसमें गलतियां कर दी थी मैंने, तो ये करेक्शन वीडियो तो देख लो। तो चलिए जानते हैं। जब भी अगर आप कोई भी इसरो रॉकेट लॉन्च देखोगे तो आपको जैसे ही रॉकेट लॉन्च होता है कुछ ही थोड़ा ऊपर जाने के बाद बहुत सारे टाइल्स गिरने लगते हैं उससे, बड़े बड़े टाइल्स। तो हमेशा क्यूरियस था ये एग्जैक्टली है क्या। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा नहीं चीज़। तो एक रिसर्च पेपर में बाद में फाइनली मिला मेरे को ये कि क्या एग्जैक्टली था। तो सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली है कौन से रॉकेट्स पे। बेसिकली हमारे तीनों मेन रॉकेट्स के ऊपर है, PSLV के ऊपर, GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3। अगर आप PSLV को देखोगे तो उसके सेकेंड स्टेज के ऊपर बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे पूरा स्टेज कवर्ड है। फिर अगर आप GSLV Mark 2 को देखोगे तो उसके साइड बूस्टर्स L40 बूस्टर्स के ऊपर और सेकेंड स्टेज के ऊपर भी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा है। और GSLV Mark 3 के कोर स्टेज के ऊपर पूरे लगाए गए हैं अगर आप क्लोजली देखोगे। तो ये क्या है, ये पॉली यूरेथेन शीट्स है। क्यों है, पहले हमें तो इस चीज़ में, इन तीनों में क्या कॉमन है स्टेजेस में देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो विकास इंजन कॉमन है स्टेजेस में। तो विकास इंजन किस फ्यूल के ऊपर रन करता है, विकास इंजन रन करता है हाइपरगोलिक फ्यूल्स के ऊपर। पर कौन से हाइपरगोलिक फ्यूल के ऊपर, इसरो के केस में UDMH और N2O4। UDMH मतलब अनसिमेट्रिकल डायमिथाइल हाइड्रोजन और N2O4 मतलब डायनाइट्रोजन टेट्रोक्साइड। N2O4 हमारा ऑक्सीडाइजर है और UDMH हमारा फ्यूल। अगर इस पे डिटेल चाहिए कि विकास इंजन एग्जैक्टली किस पे रन करते हैं, कौन सा साइकिल वगैरह, तो मैंने इस पे वीडियो बनाई है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। UDMH का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 63 डिग्री सेल्सियस है और N2O4 का 21 डिग्री सेल्सियस। तो N2O4 स्पेशली को डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बॉयल होने स्टार्ट होगा टैंक्स के अंदर। और इसरो का कंडीशन है कि जो टैंक्स है वो 18 टू 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में होने चाहिए हाइपरगोलिक टैंक्स। और इसरो अगर आप जानते हो तो लॉन्च पैड पे इसे बहुत दिन पहले लाके रखता है, मतलब फ्यूल अप करके काफ़ी दिन से रखता है वो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसका टेम्परेचर मेंटेन करे। ये काफ़ी चीप वे है मेंटेन करने का पॉलीयूरेथेन शीट से। अगर आप पूरा कवर करोगे, बेसिकली थर्मोकॉल की तरह समझ लो इसे, तो अच्छा इंसुलेट करेगा ये बाहर के एनवायरनमेंट से। इसे हम डायरेक्ट कूल भी कर सकते हैं, पर ये इसरो नहीं करता है। अगर आप ओल्ड रॉकेट्स के भी वीडियोज़ देखोगे तो उनके फेयरिंग के ऊपर, मतलब जिसके अंदर सैटेलाइट होता है हीटशील्ड के अंदर, उसके हीटशील्ड के ऊपर भी ऐसे शीट्स लगाए जाते थे पहले। पर अभी अगर आप इसरो के केस में देखोगे तो लॉन्च पैड से एक अम्बेलिकल एक ट्यूब आती है जो फेयरिंग के अंदर जाती है और स्पेसक्राफ्ट को ठंडा रखती है अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और जैसे ही लॉन्च होता है रॉकेट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो फिर वो जो कॉर्ड्स होल्ड कर रहे हैं वो कट हो जाते हैं और सब गिरने लगते हैं अपने आप। तो एक क्योटिक बिहेवियर से गिरते हैं, मतलब पुश नहीं किए जाते, अपने आप गिरते हैं वो। तो ये था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोगों को एक क्वेश्चन रहा होगा, क्या नहीं था तो अभी डेवलप हुआ रहेगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के प्रोड्यूसर्स थे कार्तिकिया देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्णा, हरमन संगा, नारायण प्रसाद, सुमित रौंडाड़े, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, संदीप रामकृष्णन, वीव, वैभव त्रिवेदी, भैरव हजारिका, सचिन यादव और कुछ भी मेहता। थैंक यू सपोर्ट के लिए सब मेंबर्स को।